धार्मिकता परमेश्वर में जो है वो भ्रष्ट करने वाला, सारे वाचाओं को रद्द करना। मैं तोड़ता हूँ और रद्द करता हूँ हर प्रकार के वो वाचाएं, शपथ और विधियां या उस प्रकार के कोई भी बातें जो मेरे लोगों के बीच में मैंने किए हैं, यीशु मसीह के नाम से मैं उसे रद्द करता हूँ। मैं मानता हूँ कि मैंने मन्नतें मांगी है जो परमेश्वर के धार्मिकता के अनुसार नहीं है, और मैं मानता हूँ उसे और मैं उसे माफ़ी मांगता हूँ परमेश्वर से कि मैंने ऐसे मन्नतें मांगी और अब मैं उसको तोड़ देता हूँ। वो मन्नतें जो मेरे पूर्वजों ने भी मांगी हो और किसी मूर्तियों के सामने झुक कर मांगे हो और कोई देवी देवताओं के सामने अपने आप को रख कर मांगा हो, ऐसे मन्नतें, मैं उन सारे मन्नतों के लिए भी माफ़ी मांगता हूँ। और मैं परमेश्वर तेरे सामने माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने ये पाप किया है, मेरे पूर्वजों ने ये पाप किया है, और इस समय ये सारे मन्नतों को मैं तोड़ देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। जो भ्रष्ट हुई हर एक जातियाँ हैं, जो हर प्रकार के शैतान की जातियाँ हैं, और जहाँ पर कोई भी प्रकार से परमेश्वर का वचन पूरा नहीं होता है, ऐसे प्रकार के कोई धर्म कार्य में मैंने मन्नतें मांगी और मैंने शपथ खाई है और मैंने कोई वाचाएं बांधी है, मैं यीशु मसीह के नाम से मेरे पूर्वजों के खातिर और मैं अपने खातिर माफ़ी मांगता हूँ परमेश्वर तुझसे, और मैं इन सारे मन्नतों को, इन सारे शपथों को और वाचाओं को आज यीशु मसीह के नाम से रद्द करता हूँ और तोड़ देता हूँ। मैं उन सारे वाचाओं को तोड़ देता हूँ जो नरक और मृत्यु के साथ मैंने बांधा है, और मेरे पूर्वजों ने नरक और मृत्यु के साथ बांधी हुई वाचाएं आज मैं यीशु मसीह तेरे नाम से तोड़ देता हूँ। सारे वाचाएं जो वेदियां हैं शैतान की, उनके साथ मैंने और मेरे पूर्वजों ने जो वाचाएं बांधी है, उन सारे शैतान के वाचाओं को मैं कबूल करता हूँ परमेश्वर कि मैंने वो वाचाएं बांधी थी और मेरे पूर्वजों ने भी वो वेदियां बनाई थी और वाचाएं उसके ऊपर बांधी थी, और मैं उनके खातिर और मैं अपने खातिर परमेश्वर तुझसे माफ़ी मांगता हूँ, और आज मैं वो सारे वाचाओं को, शपथ को, विधियों को, धर्म के वो सारे कार्य को जो झूठे धर्म हैं, जो गलत तरीके के जाति धर्म है, जो शैतान के काम करने के लिए किए गए ऐसे देवी देवताओं के काम है, उनके बीच में जो भी मैंने किया हुआ ये विधियां हैं, जो प्रकार से मैंने शपथें खाई है और मेरे पूर्वजों ने, और जो कुछ उनके लिए हमने अर्पण किया है, उन सब बातों के लिए मैं परमेश्वर तुझे माफ़ी मांगता हूँ, और मैं तुझसे मांगता हूँ कि आज ये सारे बातों में मुझे माफ़ कर, और इस समय वो शपथ, वो वाचाएं और उन सारे बातों को जो धर्म के आधार से, जो जाति के आधार से, और जो देवी देवताओं के विधियों के आधार से, और जो प्रकार के वेदियों के आधार से मैंने किए हुए सारे काम, मैं यीशु मसीह के नाम से, मेरे पूर्वजों ने किए हुए वो सारे काम मैं यीशु मसीह के नाम से आज तोड़ देता हूँ। मैं सारे खून के द्वारा किए गए वाचाओं को, वो हर प्रकार के शैतान के सामने मेरे पूर्वजों ने और मैंने किए हुए खून के वाचाएं मैं यीशु मसीह के नाम से रद्द करता हूँ और तोड़ देता हूँ, और परमेश्वर मैं तेरे से माफ़ी मांगता हूँ कि हमने ऐसा, हमारे पूर्वजों ने या हमने ऐसा कुछ काम किया है जिसमें हमने खून की वाचाएं बांधी, यीशु मसीह के नाम से आज वो रद्द करते हैं हम। जो बलिदान हमने किया जिसके द्वारा खून बहाया, और वो बलिदान हमने शैतान के सामने चढ़ाया, शैतान के वेदियों पर चढ़ाया, और हमने किया हुआ या हमारे पूर्वजों ने किया हुआ ऐसा शैतान के वेदियों के ऊपर का बलिदान जिसमें खून बहाया गया, हम कबूल करते हैं परमेश्वर कि हमने तेरे खिलाफ ऐसा काम किया है, हमको माफ़ कर, और हम अभी वो सारे बलिदान के खून के वाचाओं को रद्द करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और तोड़ देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। अब मैं आज्ञा करता हूँ वो सारे शैतान के आत्माओं को जो इन सारी जगहों में से मुझ पर अपना कानूनी अधिकार लगा रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से अब बाहर निकल आ
और हमारे जीवन में से निकल जा। यीशु मसीह के नाम से हम तुझे आज्ञा देते हैं, हम तोड़ देते हैं और रद्द करते हैं वो सारे वाचाएं जो हमने कोई भी झूठे देवी देवताओं के और हर प्रकार के शैतानी आत्माओं के साथ हमने किया है, जादू टोनाओं के संगति में या रहस्य के भेद के ऐसे जातियों के अंदर से हमने किए हुए सारे प्रकार के वाचाओं को हम यीशु मसीह के नाम से आज तोड़ देते हैं। हम वो सारे वाचाओं को तोड़ देते हैं जो हर प्रकार के शैतान के आत्माओं को जो हमने जगह दी है, जिनमें आत्मा के साथ शादियां होती है, ऐसे हर प्रकार के जो काम हमने किए हैं आत्मा के साथ की शादियां, यीशु मसीह के नाम से हम तोड़ देते हैं। और उसके कारण जो इनकुबस और सिकुबस आत्माएं जो नींद के वक्त में शरीर भोग करने के लिए हमारा इस्तेमाल करने के लिए आती है, उन सारे आत्माओं को आने का जो रास्ता मिला है आत्मा के शादियों के कारण, वो शादियां हम यीशु के नाम से तोड़ देते हैं। और हम यीशु मसीह के नाम से वो सारे देवी देवताओं को हमने जो इन शादियों के साथ होने वाला अर्पण चढ़ाया, वो सारा अर्पण हम तोड़ देते हैं। हम यीशु मसीह के नाम से वो वाचाएं जो इस शादी में किए जाते हैं हम उसे तोड़ देते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम इस सारे शादी के आत्मा के साथ के शादी के व्यवहार को यीशु मसीह के नाम से हम रद्द करते हैं और तोड़ देते हैं। अब मैं वो सारे शरीर भोग की आत्माएं जो नींद में हमको सताने के लिए आक्रमण करती है, उनको यीशु मसीह के नाम से आज्ञा करता हूँ कि हमारे जीवन के बाहर निकल जा। यीशु मसीह के नाम से उनके अधिकार को हम तोड़ देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। कोई भी शैतान के आदमी या शैतान के इंसान के साथ हमारा रिश्ता हो चुका और हम उसे शैतानी आत्माओं के अंदर बांधे गए, तो यीशु मसीह के नाम से ऐसे शैतान के आत्माओं के साथ के हमारे रिश्ते, हमारा शरीर भोग हम तोड़ देते हैं यीशु मसीह के नाम से। नरक में जो भी हमारे साथ किया गया समझौता का व्यवहार है, वो सारे समझौते हम यीशु मसीह के नाम से तोड़ देते हैं। सारे सहमत हम यीशु मसीह के नाम से तोड़ देते हैं। और अभी हम वो सारे शैतान के नरक में से किए गए सहमति के काम, हम असहमत हो जाते हैं और हम उसे इनकार करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हम शैतान को ये बात बता देते हैं कि उसके राज्य के सारे वाचाओं से हम असहमत हो चुके हैं, अब हमारा वाचा परमेश्वर के साथ, जीवित परमेश्वर के साथ है यीशु मसीह के खून के द्वारा। मैं प्रभु से जुड़ा हुआ हूँ और मैं आत्मा में प्रभु के साथ एक हो चुका हूँ। मैं वो सारे पाप के वाचाओं को तोड़ देता हूँ यीशु मसीह के नाम से, और नए वाचा में जो प्रभु यीशु में मुझे मिलता है उसमें मैं सहमत हो जाता हूँ और परमेश्वर के संगति में मैं नया बन जाता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के शरीर और प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा मैं ऐसा कोई भी शैतान का आत्मा जो अपने आप को मेरा पति या मेरी पत्नी ऐसा कहता है, मैं उसको यीशु मसीह के नाम से डिवोर्स करती हूँ और प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसके साथ का मेरा वाचा, शरीर संबंध के लिए किया गया शादियों का वाचा मैं तोड़ देती हूँ यीशु मसीह के नाम से। मेरे पूर्वजों ने अगर किसी ऐसे शैतान के आत्मा को मेरे साथ जोड़ा है, जो पूर्वजों ने वाचा बांधा है शैतान के साथ और मुझे कोई आत्मा देकर मेरी शादी कराई है आत्मा में, मैं उस वाचा को और उस शादी को जो मेरा पति होकर या मेरी पत्नी होकर मेरे जीवन में अभी मुझे सता रहा है, यीशु मसीह के नाम से मैं उसे डिवोर्स देती हूँ और उसके संगति का मेरे पूर्वजों ने किया हुआ व्यवहार और वाचा मैं शैतान को कहती हूँ मैं तोड़ रही हूँ यीशु मसीह के नाम से। अभी मेरा उस शैतान के आत्मा के साथ कोई रिश्ता या संबंध या शादियाँ नहीं है यीशु मसीह के नाम से। मैं उन सारे शैतान के आत्माओं को बांधता हूँ और निकाल देता हूँ जो मेरे परिवार के द्वारा, पूर्वजों के द्वारा, वंश और पीढ़ी के द्वारा
मेरे साथ साथ आया हुआ है। जो पूर्वजों ने वाचाएं बांधी थी शैतान के साथ, उसके कारण मुझे संभालने के लिए या मुझे मार्गदर्शन करने के लिए या मेरे सहायता करने के लिए या मेरे साथ रहने के लिए या मुझसे जुड़े रहने के लिए या मुझे कोई लाभ पहुंचाने के लिए या कोई भी प्रकार से मेरे जीवन के साथ कोई भी अन्य काम के लिए जो भी दुष्ट आत्माओं को, शैतान के आत्माओं को मेरे पूर्वजों के वाचा के कारण दिए गए हैं मेरे साथ रहने के लिए, उन सारे वाचाओं को मैं तोड़ देता हूँ और वो शैतान के आत्माओं को मैं आज्ञा करता हूँ मेरे जीवन के बाहर निकल जाए। मैं तुम्हें बांधता हूँ यीशु मसीह के नाम से और निकाल देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। निकल जाने की आज्ञा दे रहा हूँ, निकल जाओ यीशु मसीह के नाम से। दूसरा भाग, तैयारी करेंगे हमारे आत्मिक शत्रुओं के साथ मुकाबला करने के लिए। ऐसी कौन सी बात है जो आत्मिक मनुष्य को सफल बनाती है आत्मिक युद्ध में? उसके लिए जो लायक होना चाहिए वो सूचियों में से कुछ ऐसी बातें हैं कि पहला है सहनशीलता, दूसरा तिमोथियस उसका दूसरा अध्याय और उसका तीसरा वचन, ये काबिलियत की सहन किया जाए और कष्ट के समय भी और परेशानी के समय, विरोध के समय और तनाव के समय भी सहनशील रहना। हमने सारे कठिन समयों को एक अच्छा मौका और समय समझना है जबकि हम योद्धा हैं आत्मिक जीवन में यीशु मसीह के साथ। इस सूची में दूसरा जो लायक होना है आत्मिक युद्ध में सफल होने के लिए वो जो बातें हैं, नफरत, भजन संहिता के 139 और 22 वचन, जबरदस्त नफरत या फिर बिल्कुल चाहना नहीं। आत्मिक युद्ध में हमको शैतान के आत्माओं से सख्त नफरत होना है और शैतान के कामों से घृणा होना है। तीसरी बात इस सूची में है ज्ञान, दूसरे कुरिन्थियों के दूसरा अध्याय 11 वचन, शैतान के हथियारों से हमें अज्ञान नहीं रहना है, बने रहना, ये चौथा सूची में आ जाता है। और बने रहने के लिए वचन है भजन संहिता 18 का 17 वचन, 18 का 37 वचन, 37, पूरे निर्णय के साथ और बिल्कुल ढिटाई के साथ हमें परिस्थितियों में घुसना पड़ता है विरोध होने के बावजूद। हम शत्रु के साथ युद्ध में बने रहना है। इसके बाद जो आता है सूची में वो है अलगाव, दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय और 14 वचन, हमें अलगाव में जीना है। और इसके पहले जो कहा गया था कि उसमें ये है कि आपको बने रहना है और साथ साथ आपको स्थिर भी रहना है, स्थिर रहकर उसमें आगे बढ़ते रहना है शत्रु के सामना करना है और विरोध होने के बावजूद। और उस सूची में अगला जो आता है वो है अलगाव, जो दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय 14 वचन में है। अलगाव का मतलब होता है अपने लिए संभाल कर रखना या फिर अपने लिए अलग करके रखना। आत्मिक युद्ध करने वालों के लिए इस पृथ्वी के व्यवहारों के विषय में अपने आप को अलग करना आना चाहिए। परमेश्वर साधारण लोगों को चुनता है उसके कामों को पूरा करने के लिए। हमारी काबिलियत जो है अनुग्रह के द्वारा आती है। हर एक मसीही विश्वासी प्रभु यीशु के द्वारा स्वर्ग के स्थानों में बैठा हुआ है। हमारी जगह जो मसीह में है वो काफी ऊंचे स्तर पर है, सारे प्रधानताएं, सारे सामर्थ, अधिकार से भी परे हमारी जगह है।
हमको ये देखने की जरूरत है हम क्या है प्रभु यीशु मसीह में। आप प्रभु यीशु में सब कुछ कर सकते हो। यही वो बात है कि आपके अधिकारों को आप जान लेना है और फिर युद्ध में शत्रु के साथ भिड़ जाना है। आपको युद्ध में डरने की कोई जरूरत नहीं है। दुष्ट आत्माएं जो है वो मसीही विश्वासियों के पास जो अधिकार है उसके अधीन होना जानती है। प्रभु यीशु मसीह हमें सामर्थ देता है कि हम बिच्छुओं के ऊपर और सर्पों के ऊपर पाँव रख कर रौंद दे, उसे कुचल दे। लूका 10:19 वचन में लिखा है, उसने वायदा किया है कि कोई भी तरह से हमें कोई हानि ना होगी। यहोशुआ को बोला गया था शत्रु के साथ युद्ध में लग जाए। व्यवस्था विवरण का 2:24। आप काफी हद तक सफलताओं को जयवंत होते हुए आप देखेंगे जब आप शत्रु के साथ भिड़ जाना समझ लेंगे। शत्रु के साथ युद्ध में लग जाना या भिड़ जाना इसका मतलब ऐसा है कि आप सच्चाई को युद्ध में उतार कर लेकर आ रहे हैं। ऐसे कोई विश्वासी मसीही है जो ऐसे प्रकार के युद्ध में भिड़ जाना इस बात से डरते हैं। वो ऐसा डर रखते हैं कि उनको दोबारा पलटवार हो सकता है शत्रु के राज्य में से। यीशु मसीह ने भेजा उसके चेलों को ताकि वो शत्रु के साथ युद्ध में भिड़ जाए। उनको बोला था चंगाई करो और दुष्ट आत्माओं को उखाड़ कर निकालो। इसलिए सारे मसीही विश्वासियों को समझ होनी चाहिए उनके पास रहने वाले सामर्थ और अधिकार के विषय में। पावर का अच्छा शब्द है दुनामिस। अधिकार का अच्छा शब्द है अगुसीसिया। अधिकार जो है वो कानूनी हक देता है सामर्थ का इस्तेमाल करने के लिए। हमको अधिकार दिया गया है ताकि हमको जो सामर्थ दी गई है वो पवित्र आत्मा के द्वारा हम इस्तेमाल कर सके। अधिकार और सामर्थ उपयोग में लाना काफी जरूरत है। उसे आप विश्वास के द्वारा उपयोग में लाते हैं। ये महसूस होने के आधार पर नहीं होता है, इसका उपयोग केवल विश्वास के आधार पर होता है। ये परमेश्वर के वचन के ऊपर आधार होता है और विश्वास परमेश्वर के वचनों को सुनने से आता है। इसलिए मसीह विश्वासियों को जरूरत है कि ऐसे कलसियाओं में वो अपने आप को जोड़ दे जिसमें वो सिखाते हो सामर्थ और अधिकार के विषयों में। ये भी जरूरी है कि हम खुद भी अपने व्यक्तिगत रीति से हम इस विषयों के ऊपर पढ़ाई करें। प्रकाशन जो वचनों के आधार से हम पढ़ाई करते समय पाएंगे इन वचनों के आधार से, तब हमको आत्मविश्वास आएगा हमारे अंदर से ये सामर्थ के उपयोग करने के लिए। हमको कानूनी अधिकार दिया गया है कि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम का उपयोग कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह का नाम सारे नामों से ऊंचा है। प्रभु यीशु मसीह के नाम के अंदर जो अधिकार आता है वो अधिकार आत्मिक जगत के आत्माएं जानती है। हम शैतान के आत्माओं को निकाल देते हैं उस नाम से। हम शैतान के कामों को बांध देते हैं उस नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हम सिखाते हैं और प्रचार करते हैं उस नाम से जो प्रभु यीशु का नाम है। हम सामर्थ्य को प्राप्त करते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा। प्रेरितों के पत्री 1:8। परमेश्वर बहुतायत से और ज्यादा मात्रा में हमारे अंदर से उस सामर्थ्य के द्वारा उपयोग करता है जो सामर्थ्य उसने हमारे अंदर रखा हुआ है। उस सामर्थ्य के द्वारा वो हमारा काफी मात्रा में उपयोग करता है। यीशु मसीह ने दुष्ट आत्माओं को निकाला है वही सामर्थ्य के द्वारा।
जो पवित्र आत्मा से मिलता है। मत्तै के 12 अध्याय 28 वचन में लिखा है, हम जोड़ते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा जो सामर्थ्य है उसको अधिकार के साथ जो हमें प्रभु यीशु मसीह में है। शत्रु जो दुष्ट आत्माएं हैं उनको घोर पराजित करने के लिए, हम शत्रु जो दुष्ट आत्माएं हैं उनके साथ भिड़ते नहीं है अपने ताकत या अपने सामर्थ्य से, अपने बल से या अपने अधिकार से। हम शत्रु जो दुष्ट आत्माएं हैं उनसे हम भिड़ते हैं उस सामर्थ्य से जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर है, और उस सामर्थ्य को इस्तेमाल करने का जो कानून अधिकार हमें मिला है वो अधिकार प्रभु यीशु मसीह के अंदर से हम उस सामर्थ्य को इस्तेमाल करते हैं। शैतान के आत्माएं सामर्थ्य और अधिकार को समझती है, वो समझती है विश्वासी मसीही जो सामर्थ्य परमेश्वर के आत्मा का और अधिकार प्रभु यीशु मसीह का अपने अंदर लिए हुए कार्य करते हैं। जितना ज्यादा आप ये पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उसे इस्तेमाल करने के लिए प्रभु यीशु मसीह का अधिकार आप जितना अपने जीवन में उपयोग करेंगे उतना ज्यादा आप उसे बढ़ता हुआ पाएंगे। इसलिए अब जरूरी है कि आप पवित्र आत्मा का सामर्थ्य और उसे उपयोग करने का अधिकार जो प्रभु यीशु ने हमें दिया है उसे शुरू करना चाहिए, और इस पुस्तक के द्वारा जो लिखा है उसके अनुसार अब हम आपको ये सामर्थ्य और प्रभु यीशु मसीह के अधिकार का इस्तेमाल करना सिखाएंगे। इस पुस्तक के द्वारा हम आपकी सहायता करेंगे, और यह भी जरूरी है कि आप युद्ध में उतरने से पहले आप अपने पापों को कबूल करके आप परमेश्वर से माफी मांग लेना चाहिए, क्योंकि अगर हमने अपने पापों की कबूली करके परमेश्वर से माफी मांगी तो परमेश्वर धर्मी है और विश्वास योग्य है हमको अब हमारे पापों से माफी कराने के लिए और हमारे सारे अशुद्ध अधर्म के कामों से हमें धोकर शुद्ध करने के लिए वो विश्वास योग्य है। पहला यूहन्ना 1:9 वचन में ऐसा लिखा है, शत्रु जो दुष्ट आत्माएं हैं उनके साथ ऐसा कभी ना भिड़ जाए युद्ध में बिना आप पाप के कबूली किए बगैर। परमेश्वर के सामने अपने पापों को कबूली किया करते रहना और फिर शत्रु के साथ युद्ध में जुड़ जाना। प्रभु यीशु मसीह के लहू में सामर्थ्य है। प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे पापों को धो देता है, इसलिए हमारे शत्रु जो दुष्ट आत्मा है उसको हमारे अंदर या हमारे जीवन में काम करने का जगह नहीं मिलता है। यही कारण है कि आपको प्रभु यीशु मसीह के धार्मिकता में जीवन को चलाने की जरूरत है। हमको धर्मी बनाया गया है विश्वास के द्वारा। हम परमेश्वर की धार्मिकता है जो प्रभु यीशु में से हमने प्राप्त की है। दूसरा तिमोथियस 5:21 वचन में ऐसा लिखा है, बहुत सारे मसीही विश्वासी सहन करते हैं इस कारण से कि उनको अपने आप के विषय में खेद रहता है कि वो ये मुकाबला युद्ध में नहीं कर सकते हैं शत्रु के साथ, क्योंकि उनके अंदर वो अधर्म का बोझ बना रहता है और उनको परमेश्वर की ओर से जो मिलती है धार्मिकता वो समझ नहीं पाते हैं। धार्मिकता आत्मविश्वास देती है हमको। धार्मिकता हमें ढीठ पवित्र रीति से ढीठ होना सिखाती है। धार्मिकता ये पहरावा है जो राज्य में परमेश्वर के। इब्रानियों की पत्री 1:8 में लिखा है, सिंह
सिंह धर्मी जो लोग हैं सिंह की मानिंद धैर्यवान रहेंगे। जो धर्मी लोग हैं वो सिंह के मानिंद धैर्यवान रहेंगे। 28 नीति वचन का 21 वचन लिखा है, परमेश्वर हमारे सर की रखवाली करता है युद्ध के समय। भजन संहिता 140 सात वचन। हमें ढांप पे रहना, इसका मतलब है हमें सुरक्षित रखना। ढांप कर रखना, ये एक ऐसा विषय है जो परमेश्वर के अधीन होने से, उसके वचन और पवित्र आत्मा के अधीन होने से प्राप्त होता है। नम्रता और अधीन होना परमेश्वर के वचन और पवित्र आत्मा के, ये दो चीजें काफी जरूरत की है उन मसीही भाइयों के लिए, बहनों के लिए जो आत्मिक युद्ध में भिड़ जाना चाहते हैं। ये प्रार्थनाएं उन लोगों के लिए नहीं है जो पाप में ढिठाई करते हैं। यह अधीन होना उस अधीन होने के विषय में भी है जो पवित्र शास्त्र के आधार से किसी अधिकारी के अधीन होना जो हमारे ऊपर ठहराया गया है आत्मिक जीवन में, और जो हमारे प्राण के खातिर परमेश्वर के सम्मुख बना रहता है। प्रार्थनाएं परमेश्वर की ओर से सुरक्षा मिलने के लिए। प्रार्थनाएं सुरक्षा और बचाव के लिए। मैं अपने आप को, मेरे परिवार को और मेरे सारी चीजों को सुरक्षित करता हूँ, ढांप लेता हूँ प्रभु यीशु मसीह के लहू में, छिपा लेता हूँ प्रभु यीशु मसीह के लहू में। होने दे ऐसा कि परमेश्वर तेरा आग हम सब को घेर ले और हमें सुरक्षित रख सारे नाश होने वाली बातों से। होने दे ऐसा कि परमेश्वर के स्वर्गदूत आ जाए और हमारे इर्द गिर्द घेरा लगाए और हमें बचाए रखे। होने दे ऐसा कि तेरा महिमा मुझे छुपाने के लिए उपयोग हो, मेरे सर को और मेरे पीठ को वो छुपाने के लिए तेरा महिमा काम करे। मुझे ऊंचा उठा और मैं बचाया जाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह का नाम मजबूत गढ़ है। मैं दौड़ कर जाता हूँ उसके नाम के अंदर और मैं बचा लिया जाता। प्रभु तू मुझे सुरक्षा रहने के लिए, संभालने के लिए रहता है। मुझे उन लोगों से सुरक्षित कर जो मेरा पीछा करते हैं। मेरी भूमि पर मैं सुरक्षित रहूं। मुझे सुरक्षित मार्ग से ले चल और मुझ में भय समाने मत दे। ऐसा होने दे कि जो समुन्दर का पानी है वो उमड़ कर मेरे शत्रुओं पर चढ़ जाए। होने दे कि मैं अपने बिछौने पर जब रहूं तो आराम और विश्राम की नींद पाऊं, सुरक्षित नींद पाऊं, और मैं हमेशा ही तेरे रक्षा में रहूंगा और कोई भी मुझे भयभीत नहीं कर पाएगा। मुझे तेरे आंखों की पुतली समान रख और तेरे पंखों के नीचे मुझे संभाल, तेरे पंखों के नीचे मुझे छिपा ले। मैं तेरे पंखों के आड़ में आना तेरे रखने वाला, रक्षा करने वाला ऐसा समय को विश्वास करता हूँ। तेरे पंखों के छाया में मैं अपना भरोसा रखता हूँ। आंधी और तूफानों में से और घने बादलों के छाए जाने में से तू मेरा सहायक बन मुझे छिपाने के लिए। आंधी और तूफानों में तू मेरा छिपने का ऐसा जगह बन। युद्ध में होने के वक्त में मेरे सर की रखवाली कर। तेरे हाथ के छाया में मुझे रख, तेरे पंख में मुझे छिपाए रख। तू मेरा रक्षा और छिपने का ऐसा स्थान बन।
मुझे रक्षा कर और मुझे छुटकारा भी दे, तेरी महिमा मेरा रक्षा बने। जो मुझ पर प्रबल होने के लिए चढ़ आते हैं, उनसे तू मुझे रखवाली कर। प्रभु तू मेरा ढाल है और छिपने का स्थान है, प्रभु मुझे घेर ले तेरे ढाल से जो मुझे सुरक्षा देती है। तेरी ढाल को मुझ पर उतार कर लेकर आ और तेरी सच्चाई मेरी ढाल बनने दे। प्रभु तू ही मेरा चमकने वाला सूरज है और मेरी ढाल है। प्रभु तू मेरी ढाल है और मेरे लिए सबसे बड़ा मूल्य है, सबसे बड़ा तू ही मेरा प्रतिफल है। मैं उनसे नहीं डरूंगा जो 10,000 के गिनती में मेरे इर्द गिर्द में है, जो अपने आप को मेरे इर्द गिर्द में रखे हैं, क्योंकि तू परमेश्वर प्रभु मेरी ढाल है, तू मेरा मजबूत गढ़ है जब शत्रु के विरोध मुझे जाना है। प्रार्थनाएं परमेश्वर के हाथ को पाने के लिए। तेरे जैसे भुजाएं और किसी की नहीं प्रभु, शक्ति और सामर्थ्य से भरी हुई। परमेश्वर प्रभु तेरे भुजाएं सर्वशक्तिमान है और मजबूत भी है, तेरा दहिना हाथ ऊंचा है। तेरे भुजाओं को बढ़ा और मुझे छुड़ा ले और मुझे सारे बंधनों से बाहर निकाल। तेरा डर और तुझ से आने वाले खतरों का एहसास मेरे शत्रुओं को पता चलने लगे। तेरे बड़े और सामर्थ्य के भुजाओं के कारण मैं शत्रुओं से पार होकर जा सकता हूँ। मुझ पर तेरी कृपा हो और तेरा दहिना हाथ मेरे जीवन के बातों को संभाल कर रखे। राहाब को टुकड़े टुकड़े कर और तेरे शत्रुओं को तितर पितर कर दे। तेरा हाथ मुझे स्थिर करे, तेरा हाथ मुझे मजबूत करे, तेरा दहिना हाथ और पवित्र हाथ मुझे जयवंत करता है। बिजली के कौंधने के समान तेरा हाथ मेरे शत्रुओं को दिखने दे। मैं तेरे भुजाओं पर विश्वास करता हूँ मेरे उद्धार के लिए। जाग उठ और जाग उठ और तेरा सामर्थ्य का पहरावा पहन ले मेरे शत्रुओं के खिलाफ, तेरे हाथ को भेज दे। प्राचीनों के समय में जैसा तू जाग उठता था, उस तरह से अभी तू मेरे लिए जाग उठ। राहब को कटवा दे और जख्मी कर दे राक्षसों को। तेरे भुजाओं से तेरे पवित्र राष्ट्र के लिए तू कार्य कर और सारे मनुष्य तेरे उद्धार के कार्य को देख सके। तेरे भुजाओं से तू अपनी ताकत दिखा और घमंडियों को तितर पितर कर दे। तेरे भुजाओं के मुझ पर प्रकट कर ताकि मैं तुझ से सामर्थ और ताकत पा सकूं। तेरे भुजाओं की जो सामर्थ है वो मेरे जीवन में उतर कर आए। परमेश्वर के सामर्थ को खोलना। प्रभु तेरे महिमा का सामर्थ्य खोल दे शत्रुओं के खिलाफ। होने दे तेरे हाथों के द्वारा सामर्थ्य और सामर्थ्य के काम दिखाई दे। तेरे सामर्थ्य से शत्रु तितर पितर हो जाए। तेरे शत्रुओं के ऊपर तू अपने सामर्थ्य से राज्य कर। अंधकार के सामर्थ्य के ऊपर तेरे सामर्थ्य को तू चला, आक्रमण होकर चला। मैं परमेश्वर तेरे सामर्थ्य और तेरे अधिकार को आजाद करता हूँ उन सारे शैतान के आत्माओं के ऊपर जो मैं अभी युद्ध में भिड़ रहा हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं शैतान के सारे बंधनों में से आजाद हो चुका हूँ, शैतान की ताकतों में से आजाद हो चुका हूँ और परमेश्वर के हाथों में चला गया हूँ। समंदर को दुभाग और समंदर के जो आत्माएं हैं, दुष्ट आत्माएं हैं, उनको नाश कर दे। मजबूत हूँ मैं प्रभु में
और मेरी ताकत परमेश्वर में सामर्थ्य है। अंधकार के सामर्थ्य को परमेश्वर तेरे सामर्थ्य के सामने झुकना सिखा दे। तेरा अचंभित करने वाला अद्भुत सामर्थ्य दिखला दे तो मनुष्य तुझ पर भरोसा करने लगे। तेरी सामर्थ्य को आने दे चंगाई में और छुटकारे में, आवाज में तेरी सामर्थ्य उतरने दे। तेरे सामर्थ्य में मुझे अचंभित होने दे, बड़ी सामर्थ्य आजाद होने दे प्रेरितों के जीवनों में, होने दे कि चिन्ह चमत्कार आजाद हो जाए पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में। मैं प्रचार करूं और सिखाऊं सामर्थ्य के काम को दिखाते हुए परमेश्वर के आत्मा और सामर्थ्य में। तेरा सामर्थ्य मुझ में काम करे, मेरी खातिर तू अपने स्वर्गदूतों को तेरे सामर्थ्य से भेज, ताकि मेरा जो युद्ध हो रहा है स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ वो युद्ध करे। एलिया का जो सामर्थ्य था वो तू हम भविष्यवक्ताओं के ऊपर उंडेल दे। मैं तेरे सामर्थ्य के लिए इच्छा रखता रहूं जिस दिन तेरा सामर्थ्य उतर रहा होगा। प्रभु यीशु मसीह के खून के सामर्थ्य को खोलना, आजाद करना। मैं अपने मन को और अपने सोचों को प्रभु यीशु मसीह के खून में छुपा लेता हूँ। मैं अपने दरवाजे के चौखटों को, अलंगों को और अपने सारी चीज़ों को प्रभु यीशु मसीह के खून में छुपा लेता हूँ। मैं शैतान को हरा देता हूँ प्रभु यीशु मसीह के खून के द्वारा। मैं प्रभु यीशु के खून को छिड़कता हूँ और बहुतायत में परमेश्वर की दया और अनुग्रह को प्राप्त करता हूँ। मैं सिद्ध किया गया हूँ अनंत काल के जीवन के वाचा के अनुसार। मेरे पास हियाव है परमेश्वर के उपस्थिति में जाने का प्रभु यीशु मसीह के खून के द्वारा। मेरा विवेक छेदा गया है जो मरे हुए कामों से, ताकि मैं परमेश्वर के जीवित परमेश्वर के काम कर सकूं प्रभु यीशु मसीह के खून के द्वारा। मैं प्रभु यीशु मसीह के देह को खाता हूं और उसके लहू को पीता हूं। प्रभु यीशु मसीह के खून के द्वारा छुटकारा है मेरे लिए और मैं दुष्टता में से आज़ाद हो चुका हूँ प्रभु यीशु के खून के द्वारा। मैं उन सारे दुष्ट आत्माओं को जो छल करती है और डराती है उनको यीशु मसीह के नाम से डांटता हूँ प्रभु यीशु मसीह के लहू के सामर्थ्य से, क्योंकि मेरे लिए शांति है प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा। नए वाचा के लाभ को मैं ग्रहण करता हूँ यीशु मसीह के लहू के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा मैं चंगाई को और आरोग्य को ग्रहण करता हूँ। प्रभु यीशु के लहू के द्वारा मैं बहुतायत और समृद्धि को ग्रहण करता हूँ। मैं छुटकारे को ग्रहण करता हूँ प्रभु यीशु के लहू के द्वारा। पवित्र आत्मा की परिपूर्णता और अभिषेक को मैं ग्रहण करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के खून के द्वारा। पवित्र यीशु मसीह का लहू गवाह बनता है मेरे छुटकारे का और मेरे उद्धार का। प्रभु यीशु मसीह का खून मुझे सारे पापों, मेरे सारे पापों को धो देता है। प्रभु यीशु मसीह ने शैतान का सामना उस खून के द्वारा किया जो उसने बहाया, और वही यीशु मसीह का खून मुझे जयवंत करता है। मैं उन सारे दुष्ट आत्माओं को डांटता हूँ और निकालता हूँ जो दोष भावना या शर्मिंदगी, मृत्यु दंड प्रभु यीशु मसीह के खून के द्वारा। मैं दुष्टता और पाप का अधिकार मेरे जीवन के अंदर से तोड़ देता हूँ प्रभु यीशु मसीह के खून के द्वारा। मेरा हृदय के ऊपर छिड़का गया है और शुद्ध किया गया है प्रभु यीशु के लहू के द्वारा। सारे दुष्टता के ज्ञान से मैं आज़ाद हो गया हूँ। मैं शैतान को डांटता हूँ जो मेरे जो भाइयों का दोष लगाने वाला है प्रभु यीशु मसीह के खून के द्वारा। मुझे दोष लगाने वाले सारे जनों को मैं आज्ञा करता हूँ मुझसे अलग हो जाए
प्रभु यीशु मसीह के खून के कारण। मैं डांटता हूँ और निकाल देता हूँ वो सारे आत्मिक आत्माएं जो आत्मिक जीवन में मेरे विरोध में निंदा करते हैं और मेरे खिलाफ मुझे दोष लगाते हैं। प्रभु यीशु मसीह के खून के द्वारा मैं प्रभु यीशु मसीह के खून की आवाज़ को आज़ाद करता हूँ सारे दुष्टता और सारे दुष्ट आत्माओं के ऊपर जो मेरे खिलाफ है, जो मुझे दोष लगाते हैं और मुझे मृत्यु दंड की यातनाओं में चलाते हैं। युद्ध की प्रार्थनाएं। प्रभु मेरे हाथों को युद्ध करना सिखा और मेरे उंगलियों को युद्ध करना शस्त्र चलाना सिखा। प्रभु मैं आखिरी दिनों में तेरा योद्धा हूँ, मुझे तेरा हथियार बनाकर उपयोग कर तेरे शत्रुओं के खिलाफ। मेरे हथियार युद्ध में वो शारीरिक नहीं है लेकिन सामर्थ्य है, गढ़ों को ढा देने वाली है तेरे द्वारा। प्रभु शैतान तो युद्ध को हार गया है स्वर्ग में, हर वो शत्रु जो मेमने के साथ युद्ध करता है वो नाश हो जाए। मैं शरीर के विरोध में युद्ध नहीं करता हूँ लेकिन आत्मा के विरोध में युद्ध करता हूँ। प्रभु कौंधते हुए आ शत्रु के ऊपर, तेरी आवाज को शत्रुओं के ऊपर उंडेल दे और आकाश से बरसात कर आग के बारियों का, तेरे तीरों को भेज और उनको तितर पितर कर दे, तेरे प्रकाश का तेज बढ़ा और उनको अशांत कर, मुझे मेरे बलवंत शत्रु से छुड़ा, उन बलवंत शत्रुओं से जो मुझ पर प्रबल होते हैं, मुझे छुड़ा और मुझे बड़ी जगह में लेकर आ। मैं तेरे युद्ध का कुल्हाड़ी हूँ और मैं तेरे युद्ध का हथियार हूँ। तूने मेरे शत्रुओं की गर्दन मेरे हाथों में दे दी है और मैं उनको नाश करूँगा यीशु मसीह के नाम से। मैं तेरा अभिषिक्त हूँ, मुझे बड़ा छुटकारा दे। मैं उनको ऐसा मारूंगा जैसे धूलि के कण होते हैं और उनको कूड़े के समान मैं मार्गों पर फेंक दूंगा। मैंने मेरे शत्रुओं का पीछा किया और मैंने उनके ऊपर जीत प्राप्त की। मैं पीछे नहीं मुड़ा जब तक कि मैं उनका अंत ना कर दूं। मैंने उनको घायल किया है ताकि वो उठ ना सके, वो मेरे पैरों के नीचे गिर गए हैं। मैं नाग और सिंह को कुचलता हूँ, मैं अजगर और जवान सिंह को लताड़ता हूँ। मैं उन्हें मेरे पैरों के नीचे कुचल देता हूँ और मैं बिच्छुओं को और सर्पों को मेरे पैरों के नीचे रौंद देता हूँ और शत्रु के सारी सामर्थ को मैं अपने पैरों के नीचे कुचल देता हूँ, रौंदता हूँ और मेरी कोई हानि ना होगी। मैं दुष्ट को मेरे पैरों के नीचे कुचल देता हूँ और वो मेरे सामने राख के समान है। मैं उठूंगा और मेरे शत्रुओं को मैं इस तरह से लताड़ूंगा कि वह चकनाचूर हो जाए। मैं हर जंगली ऐसे जानवरों को जो मेरे खिलाफ आते हैं मैं उन्हें यीशु मसीह के नाम से मारता हूँ। मैं हर एक वो जंतुओं को जो जंगलों में से मेरे जीवन में घुसपैठी करने के लिए आते हैं मैं उन्हें मारता हूँ यीशु मसीह के नाम से। जंगलों में से आने वाले हर एक जंतुओं को, जीव को मैं यीशु मसीह के नाम से डांटता हूँ जो नुकसान करने के लिए आते हैं। जंगलों का हर एक सिंह को मैं डांटता हूँ जो मार डालने के लिए आता है। मैं हर एक शैतानी ऐसे चूहों का रास्ता बंद कर देता हूँ जो मेरे जीवन में मुझे बंदिश करने के लिए आते हैं।
प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं हर वो पैरों को बांध देता हूँ और निकाल देता हूँ जो मेरे धन संपत्ति को लेने के लिए आते हैं। यीशु मसीह के नाम से मैं बांधता हूँ और निकाल देता हूँ हर एक वो आत्माओं को जो मेरे आनंद को चोरी करने के लिए आते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से बांधता हूँ और निकाल देता हूँ हर वो दुष्ट आत्माओं को जो चोर के नाई और बिना पकड़े जाए ऐसे अवस्था में मेरे जीवन में प्रवेश करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह मेरे मंदिर को शुद्ध कर, मेरे अंदर से हर एक शत्रु जो दुष्ट आत्मा चोर के नाई है उसे बाहर निकाल। परमेश्वर मैं तेरे व्यवस्था और तेरे चेतावनियों को ऊंचा उठाता हूँ उन शत्रुओं के खिलाफ जो मेरे जीवन में बाढ़ को, दुष्टता के बाढ़ को लेकर आ रहा है। मैं हर वो पूर्वजों की आत्माओं को मेरे जीवन में है यीशु मसीह के नाम से मैं बांधता हूँ और निकाल देता हूँ। जो मेरे जीवन में काम करना चाहते हैं उनको मैं निकाल देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। मैं बांधता हूँ और निकाल देता हूँ हर वो दुष्ट आत्माओं को जो मेरे मार्गों को बंद करता है, रोक लगाता है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं सारे दुष्टता का और मलिनता का खमीर मेरे जीवन के अंदर से निकाल देता हूँ। मैं बांधता हूँ, डांटता हूँ और निकाल देता हूँ हर वो दुष्ट आत्मा को जो मेंढक के समान दिखाई देता है मेरे जीवन में यीशु मसीह के नाम से। मैं यीशु मसीह के नाम से डांटता हूँ उन सारे शैतान के आत्माओं को जो ऊंचे स्थानों में है स्वर्ग के। शैतान के साथ के मेरे पाप के कारण की हर संगति को मैं यीशु मसीह के नाम से तोड़ देता हूँ। मेरे पाप, मेरा शरीर या कोई बलिदान के द्वारा शैतान के साथ हुए कोई संगति को मैं यीशु मसीह के नाम से तोड़ देता हूँ। मैं शैतान के सारे आत्माओं को आज्ञा करता हूँ मेरे सारे बच्चों को छोड़कर चला जा। परमेश्वर मेरे जीवन में कोई मनुष्य है जो दुष्ट आत्मा के भरा हुआ दुष्ट आत्मा है जो मनुष्य के रूप में, तो मुझे प्रकट कर दे। अगर कोई ऐसा दुष्ट आत्मा है जो मनुष्य का रूप लेकर मेरे जीवन में है तो मुझे प्रकट कर दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु ऐसा कोई दुष्ट आत्मा की ओर से, शैतान की ओर से ऐसा कोई एक घुसपैठ करने वाला, जासूस करने वाला कोई है जो मनुष्य जिसको चर्चेस में भेजा जाता है उसे प्रकट कर दे यीशु मसीह के नाम से। वो हर दुष्ट आत्मा जो मेरे से छुप के रहना चाहती है उसको तू खोल दे मेरे सामने, खोल कर लेकर आ मेरे सामने यीशु मसीह के नाम से। जो भी फंदा मेरे जीवन में छुप के रहना चाहता है वो मेरे जीवन में से प्रकट हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मैं शैतान के खिलाफ खड़ा होता हूँ और डांटता हूँ शैतान के हर चलाकियों को। मुझे शैतान के कोई जाल और फंदे में फंसे हुए हों तो मुझे छुड़ा ले प्रभु, प्रभु यीशु मसीह के नाम से ऐसा होने दे। और मुझे शैतान के द्वारा कोई ऐसे दोष विपत्तियों में गिरने मत दे प्रभु। शैतान के ऐसे कोई सिद्धांत मेरे जीवन में सफल होने मत दे। मैं उन सारे सामर्थ्य को जो मेरे शहर में शैतान को बलिदान किया गया है, मेरे गांव में या मेरे एरिया में जो शैतान को बलिदान किया गया है ऐसे सारे सामर्थ्य का मैं इनकार करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मुला के समान ऐसा कोई शैतान का जो अधिकारी है जो मेरे जीवन के मकसद को ख़त्म करने के लिए वो लगाया गया है ऐसा मैं यीशु मसीह के नाम से उसको बांध देता हूँ। मुझे ताकत दे कि मैं अपने मकसद तक, मकाम तक पहुँच सकूँ। मैं मसीह विरोध के हर आत्मा को इनकार करता हूँ क्योंकि जो मुझ में है वो परमेश्वर का आत्मा है और वो सर्व सामर्थी है, जो बाहर है उससे ज़्यादा सामर्थी है। हर प्रकार के शैतान के गलतियाँ जो मेरे द्वारा होने के लिए लगाए जाते हैं यीशु मसीह के नाम से मैं उनमें से अपने आप को आज़ाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। प्रभु मुझे गलत आत्माओं के अधीन जाकर जीने मत दे।
हर दुष्ट चेतनाएं देने वाली दुष्ट आत्माओं से मैं अपने आप को आज़ाद करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मैं बहुत ही खूब ऐसे अच्छे आत्मा के साथ चलाया जाऊँ परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, प्रभु यीशु के नाम से। मैं हमेशा अपने आत्मा के चौकसी करूँगा। मैं हर वो दुष्ट आत्मा को बांधता हूँ और निकाल देता हूँ जो मेरे जीवन को फाड़ देना चाहता है, कोई भी स्थिति में, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर मेरे आत्मा को जिला ताकि मैं तेरी इच्छा का पीछा कर सकूं और मैं तेरी इच्छा को कर सकूं, यीशु मसीह के नाम से। कोई नींद देने वाला दुष्ट आत्मा मेरे जीवन में है तो उसे यीशु मसीह के नाम से मैं निकाल देता हूं। मैं हर दुष्ट आत्मा के ओर से आने वाला भय का आत्मा और डर के पीछे रहने वाला आत्मा, मैं दोनों निकाल देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। मैं कमज़ोर आत्मा को मेरे जीवन में से निकाल देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। हर धोखा देने वाली आत्मा को मैं मेरे जीवन में आने वाले समयों में से बांधता हूँ और निकाल देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। मैं बांधता हूँ और डांटता हूँ वो प्रकाश का रूप लेने वाले स्वर्गदूत को यीशु मसीह के नाम से। हर जो झूठे भविष्यद्वक्ता और प्रेरित नाम से जाने जाते हैं वो सबके सिद्धांतों को और प्रचारों को मैं यीशु मसीह के नाम से इनकार करता हूँ। हर झूठे भाइयों को मेरे सामने प्रकट कर प्रभु। हर झूठे शिक्षण को मैं यीशु मसीह के नाम से इनकार करता हूँ। मेरे जुबान को गलत बातों से और झूठ के शब्दों से आज़ाद कर प्रभु। व्यर्थ की बातों से और झूठ के शिक्षण से आज़ाद कर। हर झूठा दर्शन और हर झूठी भविष्यवाणी मैं यीशु मसीह के नाम से इनकार करता हूँ। मैं शैतान को जो धोखा देने वाला है मैं उसे बांध देता हूँ। वो कोई धोखा मेरे जीवन में लेकर आ रहा है तो यीशु मसीह के नाम से मैं उसे डांटता हूँ, बांध देता हूँ, निकाल देता हूँ। खुद ही मैं धोखा खाने वाले ऐसे आत्मा से मैं अपने आप को यीशु मसीह के नाम से, मेरे अंदर ऐसा कोई भी खुद ही धोखा खाने वाला आत्मा है तो यीशु मसीह के नाम से मैं उसे बांधता हूँ, निकाल देता हूँ और मैं अपने आप को उस आत्मा में से आज़ाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। जादू और टोने की कोई आत्मा जो मेरे जीवन में धोखा लेकर आ रही है मैं उन आत्माओं को बांध देता हूँ और निकाल देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। प्रभु कोई मनुष्य मुझे धोखा ना दे। मैं हर जादू और टोने की शक्ति को बांध देता हूँ जो मुझे परमेश्वर के वचन को मानने से दूर रखती है। मैं प्रार्थना करता हूँ बोली भाषा बोलने के लिए और समझने के लिए जिससे मैं प्रार्थना कर सकूं और उन में से मैं सुसमाचार के रहस्य भेदों को जान सकूं। मुझे दुष्ट लोगों के हाथों से छुड़ा और जो बेवजह मेरे ऊपर दुष्टता करते हैं उनके हाथों से मुझे छुड़ा। बिना वजह से कोई इंसान मेरे जीवन में मेरे व्यर्थ के होने के लिए लगाया गया है वो इंसान मेरे जीवन में से मैं यीशु मसीह के नाम से निकल जाने की आज्ञा देता हूँ। सारे दुष्ट आत्माओं को मैं यीशु मसीह के नाम से बांध देता हूँ। मैं बांधता हूँ और डांटता हूँ और निकाल देता हूँ हर वो दुष्ट आत्मा जो मुझसे बदला लेना चाहती है। मैं बांधता हूँ और निकाल देता हूँ हर वो आत्मा को जो धीमे गति से मेरे जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं। दुष्ट के हथौड़े टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। मैं इस दुनिया के जगत के और शारीरिक और भावनात्मक ऐसे गलत भावनाओं के ऐसे सारे ज्ञान को जो परमेश्वर की ओर से नहीं है मैं उन्हें इनकार करता हूँ। मैं दुष्ट आत्माओं को निकाल देता हूँ और मैं सिद्ध होता हूँ यीशु मसीह के नाम से। हर वो फिरौन जो मेरा पीछा कर रहा है वो होने दे कि उस समंदर में डुबा दिया जाए। हर वो शैतान की मक्खियाँ जो मुझे घेरती है यीशु मसीह के नाम से मैं उन्हें बांधता हूँ और निकाल देता हूँ यीशु मसीह के नाम से।
मैं बांधता हूँ, निकाल देता हूँ और डांटता हूँ हर वो अबशालोम जैसे आत्माओं को जो मुझे परमेश्वर के नियोजित किए हुए अधिकारियों के अधीन जाने नहीं देता है। मैं उत्कृष्ट ऐसे नींद सो सकूंगा, थका देने वाले आत्माओं से मैं जगाता न रहूंगा। मैं अपने शत्रुओं के ऊपर हंसूंगा पवित्र आत्मा के द्वारा। हर दुष्टता का बांध मेरे जीवन के ऊपर से टूट जाए, जलते हुए समान मेरे ऊपर से वो सारे दुष्टता के डोर जलकर नाश हो जाए। मैं यरीहो की सारी दीवारें गिरा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। प्रभु मेरे गुप्त पापों से मुझे धो दे। प्रभु तेरा गुप्त बात मेरे जीवन के ऊपर जो तेरा मंदिर है उसमें बना रहे। तेरे नाम के निमित्त तू मेरी अगुवाई कर और मार्ग में चला और निरंतर तू मेरी अगुवाई कर। पूरी सच्चाई में तू मेरी अगुवाई कर। तेरे आँखों से तुम मेरा मार्गदर्शन कर, मुझे दिशाएं दिखा। जानते हुए समझते हुए मैं अपने मार्ग की अगुवाई पाऊँ। तेरे हाथों के भय के आधार से तू मेरे मार्गों को अगुवाई कर। मुझे सरल रास्ते चला क्योंकि मेरे शत्रु मेरे पीछे पड़े हैं। मुझे परीक्षाओं में जाने मत दे लेकिन मुझे परीक्षाओं से बाहर आने के लिए रास्ते दे। मुझे अगुवाई कर और मेरे सामने सरल मार्ग बना। मेरे आँखों के सामने सारे टेढ़े मेढ़े रास्ते सरल हो जाए और जो ऊंचे पहाड़ है वो जमीन के स्तर पर हो जाए मेरे सामने। और तेरा प्रकाश मेरे सामने भेज ताकि मैं मार्गों को देख सकूं और मैं तेरी अगुवाई में चल सकूं। मेरे सामने अंधियारे को प्रकाशमान कर दे और सारे टेढ़े मेढ़े चीज़ें सरल कर दे। मुझे तेरी इच्छा को करना सिखा और तेरे सरल धर्मी मार्ग में मुझे चला। मैं अपने ऊपर प्रशंसा का वस्त्र पहनता हूँ जब मेरे ऊपर दुख का डेरा लगता है। मुझे उद्धार के वस्त्र को पहना, मैं अपने सुंदर वस्त्रों को पहनता हूँ। मेरे वस्त्र हमेशा शुभ्र सफेद रहे। मुझे नम्रता धारण करने दे, तेरे धर्म के वस्त्र से मुझे छिपा ले। मेरे वस्त्र तेरे स्वभाव से भर जाए, तेरे सामर्थ्य का कवच मेरे जीवन के ऊपर बना रहे। प्रभु मुझे बुद्धि दे जिस भागों में मेरे पास बुद्धि की जरूरत है।